गुड इवनिंग ऑल, मैं नवल आप लोगों का एक बार फिर अपने चैनल फन ग्रुप पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टैक चैप्टर में कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक क्या क्या है। तो पहला था इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, दूसरा था पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, और एक था सिंबल बैलेंसिंग। इसके अलावा फंक्शन कॉलिंग, रिकर्सन, ये सब में भी स्टैक का यूज होता है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो आज हम पढ़ते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। तो इससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं इनफिक्स क्या होता है। एनी सिंगल लेटर इज कॉल्ड इनफिक्स एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल ए क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। या सिंगल बी, ये क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसके अलावा एनी ऑपरेटर प्रीसीडेड बाय एन इनफिक्स ऑपरेशन एंड फॉलोड बाय एन इनफिक्स ऑपरेशन इज नॉन एज इनफिक्स ऑपरेशन। फिर से समझिए, अगर एक सिंगल लेटर है तो ये क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। इसके अलावा अगर एक ऑपरेटर है प्रीसीडेड बाय इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड फॉलोड बाय एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, ये सिंगल एक इनफिक्स एक्सप्रेशन थी, ये सिंगल अपने आप में क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। तो एक ऑपरेटर अगर प्रेसिडेड बाय इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड फॉलोड बाय एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन है ना। अगर मान लो मैं लिखूं ए प्लस बी स्टार सी, तो ये क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन है। क्यों है, क्योंकि अगर मैं इस ऑपरेटर की बात करूं, इस ऑपरेटर तो प्रेसिडेड बाय एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, अभी हमने पढ़ा था कि ए प्लस बी क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन थी। तो प्रोसीडेड बाय एन इनफिक्स एक्सप्रेशन एंड फॉलोड बाय एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, अभी मैंने पढ़ाया सिंगल लेटर भी क्या है अपने आप में इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो ये भी क्या है, इनफिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर है, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन आई होप आपको क्लियर होगी। अ सिंगल लेटर इज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन, और एन ऑपरेटर प्रोसीडेड बाय एन इनफिक्स एक्सप्रेशन और फॉलोड बाय एन इनफिक्स एक्सप्रेशन इन नॉन एज एन इनफिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर, प्रीफिक्स पढ़ते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, अ सिंगल लेटर इज अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अगर ये सिंगल लेटर है तो वो क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। और एन ऑपरेटर फॉलोड बाय टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अगर एक ऑपरेटर फॉलोड बाय टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इज अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, ये एक ऑपरेटर है और ये एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है अपने आप में। मैंने ये बताया कि अगर सिंगल लेटर है तो भी वो अपने आप में क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। तो ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, ये भी एक प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। तो अगर एक ऑपरेटर फॉलोड बाय टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो ये दोनों क्या, तो ये कंप्लीट क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखूं तो ये क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। कैसे है, अगर मैं इस ऑपरेटर को बोलूं, ये ऑपरेटर फॉलोड बाय अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन एंड सेकंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, एक ऑपरेटर फॉलोड बाय टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, एक ये प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है अपने आप में, अभी अपन ने डिस्कस किया ये, और एक ये, तो ये क्या है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है। क्लियर है, तो अगर एक सिंगल लेटर है तो वही प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है, और इसके अलावा अगर एक ऑपरेटर फॉलोड बाय टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो वो भी क्या होगा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन होगी। क्लियर, अब हम पढ़ते हैं पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होती है, अ सिंगल लेटर इज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और अ ऑपरेटर और एन ऑपरेटर प्रीसीडेड बाय टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन।
अगर एक ऑपरेटर है, अगर एक ऑपरेटर है प्रीसीडेड बाय टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो सिंगल लेटर अपने आप में क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, तो दो पोस्टफिक्स ऑपरेशन प्रीसीडेड टू अ ऑपरेटर, तो ये क्या हो गया, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। वही अगर हम ये देखें, तो ये भी अपने आप में क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, क्यों है, क्योंकि अगर ये ऑपरेटर है प्रोसीडर बाय टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये सिंगल लेटर है, सिंगल लेटर अपने आप में क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, और ये क्या है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन अभी हम देख चुके, तो ये क्या है, कंप्लीट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, क्लियर। तो आई होप आपको इनफिक्स प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होते हैं समझ में आ गया होगा। एक सिंगल लेटर है अगर, तो उसको हम इनफिक्स भी बोल सकते हैं, प्रीफिक्स भी है वो और पोस्टफिक्स भी है। अगर एक ऑपरेटर प्रीसीडेड बाय सिंगल, प्रीसीडेड बाय एन ऑपरेंड एंड फॉलोड बाय एन ऑपरेंड, तो क्या है, इनफिक्स है। अगर एक ऑपरेटर फॉलोड बाय टू ऑपरेंड फॉलोड बाय टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, तो वो क्या है, प्रीफिक्स है। अगर एक सिंगल ऑपरेटर प्रीसीडेड बाय टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो वो क्या है, पोस्टफिक्स है, क्लियर। तो आपको ये सब क्लियर होगा। अब हम स्टैक की एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करते हैं। इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, इसमें आपको कुछ पूरी एल्गोरिदम है, आपको जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूं, जो आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन में, कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन रहेगी, जो इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको गिवन रहेगी, उसमें जो ऑपरेंड का ऑर्डर रहेगा, ऑपरेंड ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या मतलब है कि इनफिक्स में ऑपरेंड का जो ऑर्डर रहेगा वही ऑर्डर इसमें रहेगा, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रहेगा, ऑपरेंड का ऑर्डर चेंज नहीं होता है, केवल चेंज क्या होगा, ऑपरेटर का ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ऑपरेंड का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। पहले तो आपको ये बात याद रखनी है। दूसरा आपको क्या बात रखनी, याद रखनी है कि जैसे कोई इनफिक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन आएगी, तो आपको ऑपरेंड एज इट इज लिखनी है, जो लिख दिया है। दूसरा, अगर आपको ओपन ब्रैकेट आता है, तो आपको उसको स्टैक में क्या करना है, सिंपल पुश करना है, क्लियर। तीसरा, अगर आपको कोई ऑपरेटर आता है, तो आप स्टैक में देखोगे, अगर आप ऑपरेटर आता है तो आपको स्टैक में क्या करना है, उसको पुश कराना है, ऑपरेंड को आपको एज इट इज रखना है, अगर कोई ऑपरेटर आता है तो आपको स्टैक में पुश कराना है। लेकिन आपको एक कंडीशन चेक करनी होगी कि अगर आप ऑपरेटर को पुश करा रहे हो और उस टाइम पे अगर स्टैक क्या है, एम्प्टी है, स्टैक क्या है, ऑलरेडी एम्प्टी है, तो आप सिंपली उस ऑपरेटर को क्या करा दो, पुश करा दो। अगर स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो सिंपली आप उसे ऑपरेटर को क्या करा दो, पुश करा दो। इसके अलावा अगर जो ऑपरेटर आया स्टैक क्या है, एम्प्टी नहीं है, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो स्टैक क्या होगी, नॉन एम्प्टी। अगर स्टैक क्या है, नॉन एम्प्टी है और ऑपरेटर कुछ आया, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैक के अंदर क्या होगा, ऑपरेटर ही होगा, क्योंकि ऑपरेंड के साथ हम कुछ कर नहीं रहे, ऑपरेंड को तो स्टैक में पुश करा नहीं रहे, केवल किसको करा रहे हैं, ऑपरेटर को करा रहे हैं। तो अगर ऑपरेटर को पुश करा रहे हैं, हमने देखा कि कोई ऑपरेटर आया और स्टैक क्या है, एम्प्टी है, तो सिंपली ऑपरेटर को पुश करा दो। अगर स्टैक नॉन एम्प्टी है, तो उसका मतलब क्या है, स्टैक के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटर होगा। तो अगर स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर है, उसका प्रेसिडेंस लो है, इसका मतलब क्या है कि हम जिस ऑपरेटर को स्कैन कर रहे हैं उसका प्रेसिडेंस हाई है, और जो ऑपरेटर स्टैक के अंदर ऑलरेडी है उसका प्रेसिडेंस क्या है, लो है। मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंस क्या है, लो है, तो हम सिंपली क्या करा देंगे, पुश। तो हम सिंपली क्या कराएंगे, इस ऑपरेटर को भी पुश करा देंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि जो ऑपरेटर हम स्कैन कर रहे हैं उसका प्रेसिडेंस लो है एज कम्पेयर टू जो ऑपरेटर स्टैक के अंदर है, तो हमको क्या कराना है, उस ऑपरेटर को पॉप कराना है, या अगर प्रेसिडेंस क्या है, हाई है, या प्रेसिडेंस क्या है, इक्वल है, दोनों केसेस में क्या कराना है, हमको पॉप कराना है। मतलब जो ऑपरेटर हम स्कैन कर रहे हैं, अगर वो ऑपरेटर स्कैन कर रहे हैं उस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है,
जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर है उस प्रेसिडेंस उस ऑपरेटर के बराबर है या लो है। क्लियर है? मतलब जो स्टैक के अंदर है उसका प्रेसिडेंस हाई है या प्रेसिडेंस बराबर है किसके, जिस ऑपरेटर को हम स्कैन कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, जो स्टैक के अंदर ऑपरेटर है उसको पॉप कराना है और इसको हम पुश करा देंगे। क्लियर है? इसके अलावा लास्ट केस क्या है कि अगर क्लोज ब्रैकेट आता है, अगर क्लोज ब्रैकेट आता है तो हमको स्टैक के अंदर जितने भी ऑपरेटर हैं सबको पॉप करना है। कब तक? जब तक हमको ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो ये सिंपल पॉइंट है, आप इसको अभी समझो, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको बस ये चीजें ध्यान रखनी है, अगर आपको इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करना है सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट कि जो ऑपरेंड का ऑर्डर रहेगा वो एज इट इज रहेगा, जो इनफिक्स एक्सप्रेशन में है वही पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रहेगा। तो ऑपरेंड के साथ हमको कुछ नहीं करना है, हम स्टैक में पुश करेंगे केवल ऑपरेटर को। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन में कहीं पर भी ओपन ब्रैकेट आता है तो उसको हमको स्टैक में सिंपली पुश कर लेना है। क्लियर है? अब जो भी हमको ध्यान रखना है वो ऑपरेटर के साथ याद रखना है। अगर हमको ऑपरेटर आया और हम देखेंगे स्टैक को, अगर स्टैक क्या है एम्प्टी है, स्टैक क्या है एम्प्टी है तो हम सिंपली इसको पुश कर लेंगे। ये क्या है, अगर स्टैक को देखेंगे हम, अगर स्टैक मान लो स्टार्टिंग में क्या है एम्प्टी है, अगर स्टैक स्टार्टिंग में एम्प्टी है तो हमको सिंपली क्या करना है ऑपरेटर को पुश कर देना है। अगर स्टैक स्टार्टिंग में क्या है नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी इसका मतलब क्या है स्टैक के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटर है, तो हमको ये याद रखना है कि जो ऑपरेटर हम स्कैन कर रहे हैं उसका प्रेसिडेंस और जो ऑपरेटर स्टैक के अंदर है उसका प्रेसिडेंस दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। जो ऑपरेटर हम स्कैन कर रहे हैं उसका प्रेसिडेंस जो ऑपरेटर हम स्टैक के अंदर है उससे अगर हाई है, उससे अगर हाई है तो हम क्या कर देना है सिंपल पुश कर देना है। और जो ऑपरेटर हम स्कैन कर रहे हैं उसका प्रेसिडेंस जो ऑपरेटर स्टैक के अंदर है उससे बराबर है या लो है तो हम क्या कर देंगे पॉप कर देंगे स्टैक के अंदर जो ऑपरेटर है। क्लियर है? इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर हमारा एक्सप्रेशन ये है ए प्लस बी स्टार सी, इसको हमको कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा ए स्टैक, ये स्टैक है और ये मान लो हमारा आउटपुट है या पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले ए आया तो स्टैक क्या रहेगी, अभी एम्प्टी रहेगी। क्यों रहेगी एम्प्टी? क्योंकि ऑपरेंड को हमको स्टैक में पुश नहीं कराना है, मतलब तो पोस्ट फिक्स में ए एज इट इज आ जाएगा। अब क्या आया, प्लस आएगा स्टैक क्या है, अभी स्टैक क्या है, अभी एम्प्टी है, स्टैक एम्प्टी है तो प्लस क्या हो जाएगा पुश हो जाएगा, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एज इट इज अभी ए ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या आया, बी आया तो बी ऑपरेंड है तो स्टैक के अंदर पुश नहीं होगा, तो बी कहां आएगा सीधा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आएगा, तो एज इट इज बी आया। स्टैक के अंदर भी क्या है केवल प्लस है। नेक्स्ट क्या आया, स्टार आया अब स्टैक के अंदर देंगे, स्टैक के अंदर क्या है प्लस, स्टैक के अंदर क्या है प्लस। अब ऐसे देखो स्टैक के अंदर क्या है प्लस और अब हम स्कैन किसको कर रहे हैं स्टार को, तो स्टार को देख रहे हैं और स्टैक के अंदर क्या है प्लस, इसका प्रेसिडेंस और इसका प्रेसिडेंस कंपेयर करेंगे। इसका प्रेसिडेंस क्या है हाई, जो आ रहा है उसका प्रेसिडेंस क्या है हाई और जो स्टैक के अंदर क्या है उसका प्रेसिडेंस क्या है लो। अगर हाई प्रेसिडेंस वाला आ रहा है और स्टैक के अंदर लो प्रेसिडेंस वाला है तो कुछ नहीं करना है हमको, सिंपली इसके अंदर पुश करा देना है। पॉप कब कराएंगे, जब लो प्रेसिडेंस वाला आ रहा हो और हाई प्रेसिडेंस वाला क्या हो स्टैक के अंदर। तो क्या अगर स्टार आया इसका प्रेसिडेंस क्या है हाई, मल्टीप्लीकेशन का प्रेसिडेंस क्या होता है हाई, बॉन्ड मास से हमको सब पता है, तो हम क्या करेंगे सिंपली स्टैक के अंदर पुश करा देंगे। पहले क्या आएगा, ये मान लो कि स्टैक का टॉप है तो क्या है सबसे पहले स्टार आ गया और प्लस आ गया, आप देखो यहां पर स्टैक बन रही है। नेक्स्ट क्या आएगा, सी आएगा ऑपरेंड है सिंपली सी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में आएगा। अब क्या हुआ, एक्सप्रेशन खत्म तो स्टैक के अंदर जो भी है उसको हम क्या करेंगे पॉप कर लेंगे। तो पॉप करेंगे तो पॉप हमेशा कहां से होता है टॉप से होता है, तो टॉप पे क्या है हमारा स्टार है, टॉप पे क्या है स्टार, तो सबसे पहले क्या हुआ स्टार पॉप होगा, फिर क्या है प्लस, फिर क्या हुआ प्लस, तो ये जो हमारा फाइनल है ये क्या है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। क्लियर? सबसे पहले हमने क्या किया ऑपरेंड एज इट इज,
ऑपरेटर में क्या करना है, हमको स्टैक के अंदर पुश कराना है, ठीक है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो सिंपली पुश करा दो, अगर स्टैक के अंदर कुछ है और फिर नया ऑपरेटर आया है तो हमको ये देखना है कि किसका प्रेसिडेंस हाई है, किसका प्रेसिडेंस लो है, ठीक है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में क्या होता, अगर मान लो ये होता ए स्टार बी प्लस सी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या आता, ए आता, ए आता तो ए एच पे जाता पोस्ट फिक्स में, फिर क्या आता स्टार आता, स्टैक क्या है अभी, स्टैक क्या है एम्प्टी है, तो स्टैक के अंदर क्या जाता स्टार, पोस्ट फिक्स क्या रहता ए ही रहता, फिर क्या आता बी, फिर क्या आता बी, स्टैक के अंदर कुछ नहीं होता स्टार ही रहता, बी यहां रहता, फिर क्या आता प्लस, अब स्टैक के अंदर क्या है स्टार है, स्टैक के अंदर क्या है स्टार है, देखेंगे स्टैक के अंदर अगर मल्टीप्लीकेशन है और क्या रहा है प्लस, प्लस की प्रायोरिटी क्या है, प्लस का क्या है प्रेसिडेंस क्या है लो है एज कम्पेयर टू स्टार, तो क्या होगा स्टार पॉप हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा स्टैक के अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा प्लस स्टैक के अंदर आ जाएगा और स्टार बाहर आ जाएगा, तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ये, क्लियर। फिर क्या आया सी आया, सी आया तो स्टैक के अंदर कुछ नहीं होगा, सिंपली सी पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में आ जाएगा। अब क्या हुआ एक्सप्रेशन खत्म, एक्सप्रेशन खत्म तो स्टैक से जितने भी ऑपरेटर है वो सारे पॉप हो जाएंगे, स्टैक के अंदर क्या है केवल प्लस है इस टाइम पे, तो प्लस भी पॉप हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है फाइनल पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, क्लियर। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। अब हम वन बाई वन क्या करते हैं इनको और न्यूमेरिकल समझते हैं, तो आपको ये सब क्लियर होते हैं।